हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये आईपीओ आपका 22 सितंबर को ओपन हुआ था और आज यानी 24 सितंबर को ये क्लोज हो गया। तीसरे और आखिरी दिन ये आईपीओ आपका ओवरऑल 4 times सब्सक्राइब हुआ है। तो रिसेंट टाइम्स में जो आईपीओ आया है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें काफी कम यानी पुअर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो इतना कम सब्सक्रिप्शन देखने के बाद इस आईपीओ से अब हमें लिस्टिंग गेन्स भी मिलना मुश्किल लग रहा है। तो आगे हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि इस आईपीओ से आपको लिस्टिंग गेन्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और हम इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपने एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेबसाइट equity2community.in ओपन करना होगा। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में ही आपको एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एंजल ब्रोकिंग आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं और इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आज यानी 24 सितंबर को क्लोज हो गया है और इसका प्राइस बैंड था 305 रुपीज से लेकर 306 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 49 शेयर्स का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आईपीओ का साइज है 600 करोड़ का। तो आईपीओ के साइज को देखते हुए अगर ये 4 times सब्सक्राइब हुआ है तो इसमें हमें काफी पुअर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो अब हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को डिटेल से देखते हैं। तो यहां पे हम एंजल ब्रोकिंग के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं एज ऑन 24 सितंबर टिल 5 PM। तो पहले दिन ये आईपीओ आपको ओवरऑल 76% सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन ये आपका 1.5 times के करीब सब्सक्राइब हुआ है और तीसरे दिन ये ओवरऑल आपका 4 times के करीब सब्सक्राइब हुआ है। और इस आईपीओ का साइज सिर्फ 600 करोड़ का ही था। तो ये काफी छोटा आईपीओ था और इस साइज की आईपीओ को एटलीस्ट 20 times सब्सक्राइब होना था, तभी इसमें हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन इसमें हमें काफी पुअर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। QIB ने यहाँ पे सिर्फ 5.7 times ही सब्सक्राइब किया, जबकि NIA कोटा इसका फुल नहीं हुआ है। तो NIA इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि IPO आपका नेगेटिव लिस्टिंग दे सकता है, जबकि रिटेल इस पे भरोसा कर रहे हैं। रिटेल पोर्शन इसका 4.31 times ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन और QIB कोटा, यहाँ पे हमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, लेकिन NIA कोटा से हमें उतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है एज ऑन 24 सितंबर टिल 5 PM। तो इतना पुअर सब्सक्रिप्शन देख के इस आईपीओ से अब हमें जो लिस्टिंग गेन्स के चांसेस है वो काफी कम नजर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है एज ऑन 24 सितंबर। तो देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली अपडेट होता है। तो डेली आप हमारे वेबसाइट equity2community.in पे विजिट करके आप यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर सकते हैं। तो एज ऑन 24 सितंबर 2020 इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 10 रुपीज से लेके 15 रुपीज पर शेयर्स, और 23 सितंबर को था 20 रुपीज से लेके 25 रुपीज पर शेयर्स, और उससे पहले था 40 रुपीज से लेके 45 रुपीज पर शेयर्स। तो डे बाय डे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है और इसका जो लॉट साइज है वो है 49 शेयर्स का। तो अगर हम इसको 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अब हमें 490 रुपीज यानी यहाँ पे हमें 500 रुपीज का ही लिस्टिंग गेन्स मिलता हुआ दिख रहा है एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ से। और हो सकता है ये लिस्टिंग गेन्स भी ना मिले और एंजल ब्रोकिंग आपका निगेटिव में लिस्ट हो, यानी तो मैक्सिमम 310 से लेके 320 के करीब मार्केट में लिस्ट हो सकता है। इस प्राइस पे मार्केट में लिस्ट हो सकता है। हो सकता है कि आपका निगेटिव लिस्टिंग भी दे दे और 290 के करीब भी मार्केट में लिस्ट हो जाए, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे हमें 10 to 15 रुपीज यानी 320 से लेके 325 के करीब मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिख रहा और यहां से हमें 500 रुपीज के करीब लिस्टिंग गेन्स मिलता हुआ दिख रहा। तो जो लोग अप्लाई किए अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब उनको यहाँ पे वेट करना है। और इस आईपीओ से मान के चलिए कि आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलने वाला है, मैक्सिमम आपको 2000 के करीब मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे अब आपका ओनली 50 to 60% ही चांस है कि आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, जबकि 40 to 50% चांसेस है कि ये आपका निगेटिव लिस्टिंग दे सकता है। और ये चीज मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था और कल के वीडियो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो चाहे तो अपने वीड को वापस ले सकते हैं, यानी आईपीओ एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।